प्रवीण महाजन की हालत बेहद नाजुक हो चली है। डॉक्टरों का कहना है कि ये वक्त इलाज का नहीं बल्कि उनकी जान बचाने का है। हॉस्पिटल से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि अब सर्जरी से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिलहाल उन्हें जिंदा रखने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रवीण महाजन शुक्रवार की रात जब थाने के इस हॉस्पिटल में लाए गए तभी उनकी हालत खराब थी, उन्हें बिल्कुल होश नहीं था। डॉक्टर पूरी रात मशक्कत करते रहे लेकिन प्रवीण महाजन की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। ब्रेन में का या मगज में का जो प्रेशर है वो कम करने के लिए जो भी मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट वो रिसीव कर रहे हैं। अभी तो कोई भी सुधार नहीं है, जैसा कंडीशन कल था या सुबह था वैसा ही कंडीशन अभी है। अपने भाई प्रमोद महाजन की हत्या के जुर्म में प्रवीण को उम्र कैद मिली है। सेहत खराब होने की वजह से उन्हें नासिक सेंट्रल जेल से फरलो पर रिहा किया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि प्रवीण को ब्रेन हैमरेज हुआ है जिससे उनके दिमाग के बेहद अहम हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ऐसी हालत काफी गंभीर मानी जाती है। कंडीशन इज स्टिल क्रिटिकल एंड ही इज स्टिल ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स एंड द टीम ऑफ डॉक्टर्स इज मॉनिटरिंग हिम रेगुलरली। वी हैड मेंशन इट दिस टाइप ऑफ पेशेंट द मोर्टेलिटी इज अराउंड 70-80%। प्रवीण को फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है ताकि जब तक मुमकिन हो उन्हें जिंदा रखा जा सके। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल 48 से 96 घंटे तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जुपिटर अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि प्रवीण महाजन को ब्रेन हैमरेज तनाव की वजह से हुआ है। जाहिर सी बात है कि फरलॉ का समय खत्म हो रहा था और परिवार से एक लंबे अरसे तक फिर से दूर जाने की चिंता प्रवीण महाजन को जरूर हो रही होगी। अब डॉक्टरों का कहना है कि स्पॉन्टेन हैमरेज ये ब्रेन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए अगले 48 घंटों तक प्रवीण महाजन को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ये समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अभिषेक चौधरी, ठाणे, आज तक।